Madhuram, 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 Madhuram,
सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय श्री राम। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा, संत महात्माओं के आशीर्वाद, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद हम सब का सौभाग्य। हमारे सतपंथाचार्य जगत गुरु नानक दास जी महाराज, इनकी कृपा और जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी परम कृपा से मुझे और आप सबको इस त्रिवेणी संगम, इस पुण्य पावन भूमि पर, देवभूमि पर, प्रयागराज इस पावन क्षेत्र में कुंभ मेला के शुभ अवसर पर जो हरिनाम संकीर्तन
का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे परम पूजनीय परम श्रद्धे परमादरणी अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, इनको प्रणाम करते हुए, इनका पावन स्मरण करते हुए इस कथा में विराजमान हमारे पूजनीय महेंद्र श्री जयराम दास जी महाराज, हमारे संत श्री रामकिशन दास जी महाराज और हमारे प्रिय श्री गुरुमाल जी और हमारे पवन जी, पवन नारंग जी उपस्थित, हमारे संत श्री पंकज दास जी उपस्थित, हमारे पूज्य वडील और उपस्थित सभी माताएं बहनें, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हुआ हृदय को निर्मल, हृदय को पवित्र बनाने वाली ये कथा, जिसे हम आत्मकथा भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे निर्मल शुद्ध जल में एक रुपए का सिक्का डालो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी पर तैर रहा है, दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। वो एक रुपए का सिक्का उस जल में स्पष्ट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो जल शुद्ध है। इसी तरह उस जल की तरह जब हमारा हृदय भी निर्मल बन जाए, शुद्ध बन जाए, तो वो आत्मा के भी हमें दर्शन हो सकते हैं, उसकी अनुभूति भी हो सकती है, वो अनुभव भी हो सकता है कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, वो तो मेरे भीतर विराजमान है। जिसे मैं ढूंढता रहा और मिल जाने के बाद पता चला खोया हुआ तो मैं था, जिसे मैं ढूंढ रहा था और मिलने के बाद पता चला कि अरे खोया हुआ तो मैं था, तो बस हमें उस अनुभूति को करना है। तो उस शुद्ध जल की तरह हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है, और ये तब शुद्ध होगा जब बार 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 हमारे कर्णरंध्र जो है, हमारे कर्णेंद्रिय जो है, बार बार हम इस भगवान की कथाओं को सुनते रहे, हम इन चरित्र को सुनते रहे, भगवान का नाम संकीर्तन हमारे कर्णेंद्रियों पर आता रहे, गूंजता रहे। हमारे संतों ने तो कहा श्वास उश्वास भगवान को याद करिए, इसका मतलब है जपता रहिए जाप अजम बानो, जपता रहिए जाप, कि जपता रहिए हर दम, हर दम का मतलब है हर दम में, हर श्वास में, दम का मतलब है हर श्वास, हर श्वास में हम उस प्रभु को याद करें, क्योंकि हमारी हर सांस जो है, हर श्वास जो है वो अनमोल है, एक 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 पल जीवन का अनमोल है, हर हर पल उस परमात्मा को, उस अजर अमर अविनाशी, उस सत्य सनातन शाश्वत परमात्मा को जो अखंड आनंद देते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, हम उसको स्मरण करते रहे, याद करते रहे, बार बार स्मरण करते रहे, और देखो जब भगवान में आपकी लगन लग जाती है तो आपको आनंद आता है, आपको संसार में तब तक रस आता है जब तक भगवान में रस नहीं आता, और जब भगवान में रस आने लग जाए तो दुनिया के सारे रस फीके पड़ जाते हैं।
एक बार जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, भगवान में रस आ जाता है, जिसे गुजराती में आप गाते भी हो, लगनी लागी रे शामड़िया तारा नाम मेरे, लगनी लागी रे शामड़िया तारा नाम नीरे। दूसरी लाइन महत्वपूर्ण है, बीजी वाली न लागे के वा लगनी लागी शामड़िया तारा नाम नीरे, लगनी लागी रे शामड़िया तारा नाम नीरे, बीजी वाली न लागे के वा, कि बस अब दूसरी हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती। संत भगवान को प्रणाम करता हुआ हमारे स्वामी शंकरानंद गिरी जी को प्रणाम करता हुआ, कल हमने स्वामी जी को कहा था हमें मंजीरा चाहिए, तो स्वामी जी मंजीरा ले आए। तो और एक संत किसी अच्छे गुरु का चेला, कोई भी भगत संत के पास मंजीरा ही मांगेगा, वो संसार थोड़ी ना मांगेगा। तो हमने संतों से मंजीरा मांगी जिससे भगवान का भजन हो, क्योंकि हमें मंजीरा बहुत पसंद आई थी। तो स्वामी जी को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। लगनी लागे रे शामड़िया तारा नाम नी, बीजी वाली न लागे एक बार। जब शामड़िया के साथ उस भगवान के साथ जब लगनी लग जाती है, इको इफेक्ट थोड़ी, जब उस भगवान के साथ लगनी लग जाती है तो बीजी वाली न लागे एक बार, फिर दूसरी बात कोई भी वाली मतलब प्रिय नहीं लगती। ये गुजरात का बहुत प्रिय शब्द है वाली, वाला। मैं मानता हूं गुजराती में शायद अपनेपन के लिए इससे बड़ा शब्द कोई नहीं हो सकता, वाला ये बड़ा शब्द है। बीजी वाली न लागे एक बात की, बस अब मेरी भगवान में प्रीत बन चुकी है, अब दूसरी कोई चीज मुझे अच्छी लगती ही नहीं है। तो संत श्रेष्ठ मीराबाई इशारा कर रहे हैं कि अगर दूसरी चीजों में ये दूसरी चीजें प्रिय लग रही है, ये भौतिक चीजें, ये क्षणभंगुर, ये सांसारिक सुख, ये भौतिक सुख आपको प्रिय जब तक प्रिय लग रहे हैं तो समझ लेना अभी तक उस शामड़िया में प्रेम बढ़ा नहीं है, अभी तक उस भगवान के प्रति हृदय में प्रेम का निर्माण हुआ ही नहीं है। मीराबाई तो अपने हृदय में पूरा पूरा भगवान को भर देती है, भगवान के प्रति भाव को भर देती है मीराबाई, कि बस बस अब दूसरी किसी वस्तु के लिए, जगत की किसी वस्तु के लिए अब मीराबाई के हृदय में जगह ही नहीं है। उसने अपने हृदय में पूरा पूरा भर लिया भगवान को, अपने आंखों में भगवान को भर लिया अपने। वो तो हम तो जब ये मृदंग बजेगा, तबला बजेगा, ये धुन बजेगी, तब थोड़ा नाचने का, वो भी धीरे 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 नाचने का मन होता है, लेकिन अनहद बाजे ढोल तो मीरा नचती है। मीरा जब संत मीराबाई जब नाचती थी तो दुनिया के इस दूसरे किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ती थी मीराबाई को। अनहद बाजा भीतर, बाजे भीतर है भरपूर, हमारे सदगुरुदेव मामसा जी महाराज भी कहते हैं, अनहद बाजा भीतर, बाजे भीतर है भरपूर। वो नाद तो बज रहा है अंदर,
वो नाद तो हो रहा है, हम उसे सुने तो सही, वो तो बज रहा है। मीराबाई वो नाद सुन सकती थी, और जो अंदर नाद हो रहा था, जो अनहद बाजा बज रहा था, अनहद बाजे ढोल, वो ढोल अनहद का वो ढोल अंदर बजता था और मीराबाई उसे सुनती थी, और उसी ढोल पर उस अंदर की उस संगीत पर, उस नाद पर मीराबाई नाचती थी। किसी ने पूछा ये मीराबाई नाचती क्यों है, तो रास्ते से जाने वाले ने कहा, जो कभी सत्संग में बैठता ही नहीं था, अक्सर जवाब वही लोग दिया करते हैं, और आज की हालत तो ऐसी है कि अब बीमार लोग ही ज्यादा दवाई करने लगे हैं। एक ने पूछा ये मीराबाई नाचती क्यों है, राह चलते ने कहा, अरे ये तो भगवान मिल जाए इसलिए नाच रही है, कि भगवान मिल जाए, भगवान की मुलाकात हो इसलिए मीरा नाच रही है। वहीं से एक संत ने इस बात को सुना, और संत वहां पहुंचते हैं, और संत ने कहा, भाई गलत बात न करो, ये मीराबाई भगवान मिल जाए इसलिए नहीं नाच रही। तो बोले नाचने का कारण क्या है आप बताइए। तो महाराज कहते हैं, अरे मीराबाई भगवान मिल जाए इसलिए नहीं नाच रही, अगर नाचने से भगवान मिलते तो शादियां तो दो दो तीन तीन घंटे लेट लगती है, देरी से लगती है। नाच तो कई जगह हम लेते हैं, कई जगह है इन नाचने की, वहां भी हम नाच लेते। तो महात्मा कहते हैं कि मीराबाई इसलिए नहीं नाच रही कि भगवान मिल जाए, तो बोले आप बताइए क्यों नाचती है। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे मीरा को तो भगवान मिल चुके हैं, इस खुशी में वो नाचती है। भाई भगवान की, भगवान के नाम स्मरण में नाचते तो वो है, नाच तो वो सकते हैं, आनंद तो वो मना सकते हैं, उस आनंद की अनुभूति तो वो कर सकते हैं जिनको भगवान मिल चुके हैं, वो उस खुशी में उस आनंद में नाच लिया करते हैं। भगवान मिलने के बाद ही ये आनंद की अनुभूति होती है, और जिनको अभी तक मिले ही नहीं वो तो बस उदासी से भरा हुआ अपना जीवन जीते हैं। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, कोई कोई इस गीत को गा लेते हैं, भगवान के नाम को गा लेते हैं, बाकी तो रोते रोते ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, पसार कर लेते हैं। लोग गुजारते हैं जिंदगी, हम जी रहे हैं जिंदगी। किसी संत ने बहुत बड़ी बात कह दी, लोग गुजारते हैं जिंदगी, हम जी रहे हैं जिंदगी। कि लोग ऐसे वैसे जिंदगी को गुजार देते, आज का दिन निकला फिर रात भी निकल जाएगी, आने वाला दिन भी निकल जाएगा, लोग गुजारते, भाई गुजारने के लिए, पसार करने के लिए, टाइम पास के लिए ये जिंदगी नहीं है। अवसर बार बार नहीं आवे, सतपंथ के शास्त्र में सदगुरु भगवान कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आवे, कि ये जो मनुष्य जन्म का जो अवसर है वो बार बार नहीं आता। इसलिए उन्होंने कहा, जो करना है आज ही कर ले, ज्ञानी मत कर देर, उम्र जो तेरी चली जाएगी। कि ज्ञानी देर मत कर, धीरे धीरे तेरी उम्र चली जाएगी, फिर क्या करेगा। इसीलिए हम हृदय में पूरा पूरा भगवान के प्रति अपने भाव को भर दे,
अगर पूरा भगवान के प्रति ही पूरा भाव हृदय में भर जाए, हृदय भाव से भर जाए भगवान के प्रति, क्योंकि प्रेम तो हमें पता नहीं किस किस के ऊपर प्रेम हमारा निर्माण हो जाता है, लेकिन उन सभी सब जगत के सारे प्रेम को क्षणभंगुर कहा, लेकिन जगतपति के ऊपर जो प्रेम निर्माण हो जाता है उसे शाश्वत कहा। वो सनातन है, वो नित्य है, अखंड है, अनादि है। देखिए, आपको अगर कोई पौधा आपने लगाया, छोटा सा पौधा आपने लगाया, तो वो तो तब बढ़ेगा जब आप पानी उसको जल दोगे, तब बढ़ेगा। तो पौधा बढ़ने के लिए आप पानी अगर पत्तों पर छाटते रहे, पत्तों पर आप पानी डालते रहे, तो वो पौधा बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पेड़ को बढ़ाने के लिए, पौधे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी जो आप पत्तों पर छाट रहे हो, जो डाल रहे हो, वो पानी मूल में छोड़ना पड़ेगा। अगर हम उस जल को मूल में छोड़ देते हैं तो उस पौधे के ऊपर वाले पत्ते तक अपने आप पानी पहुंच जाता है। इसलिए सत्पंथ शास्त्र में एक बात सद्गुरुदेव कहते हैं, मूल न जाने सो अंधा। अगर हमने आपसे पूछा क्या आप देख सकते हो, आपको आंख है, आपको आंख है, आप सब कह रहे हो कि है, लेकिन अगर हम मूल को नहीं जानते तो मैं नहीं, वेद भी, हमारे सारे संत भी कहते वो सब अंधे हैं, वो सब अंधे हैं। क्योंकि मूल मतलब हमारी आत्मा, ये मूल है शरीर में, वो ब्रह्म तत्व मूल है सृष्टि का। अगर हम उसे नहीं अनुभव कर पाते तो हम अंधे हैं। हम दुनिया को देख लिए, इस जगत को देख लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हमें आंख है। आप देख सकते हो, आपको आंख है, ये तो तब सिद्ध होगा जब आपकी आंखों से देखने वाले को आप देख ले, वरना सब अंधे हैं। कौन सुन रहा है हमारी कानों से, कौन बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या कौन तू बोलता है या मुंह बोलता है? बोलिए, मुंह बोलता है। अगर मुंह बोलता है से आपने कहा तो आप मुझे कहिए कि मुंह बोलता है तो फिर जो चैतन्य शक्ति हृदय शरीर में विराजमान है वो निकल जाने के बाद मुंह क्यों नहीं बोल सकता? फिर तो स्विच ऑफ हो जाता है, फिर हम बोल नहीं सकते। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब मुंह तो होता है, हम बोल नहीं सकते, मतलब मुंह नहीं बोलता, मुंह से बुलवाने वाला कोई और है। हम सोचते हैं कि
कानों से हम सुनते हैं लेकिन कानों के द्वारा सुनने वाला कोई और है। नहीं तो आप बताइए, जब अंतिम यात्रा निकल पड़ती है तो वो सब कंधे पर शरीर जा रहा है तो पीछे लोग बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, लेकिन ये कहां सुन पा रहा है? कान तो है नहीं सुन पा रहा, मतलब सुनने वाला कोई और था। वो मूल है, बोलने वाला जो है वो मूल, जो देखने वाला है वो मूल है। तो उस मूल को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, जो सृष्टि के रचयिता है, जो आदि मध्य और अंत में है, जो सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, सनातन परमात्मा, हम उसको जाने, वो मूल है। अगर हम उसे नहीं जानते, हम शरीर को अपना समझ बैठते हैं। जो जीव शरीर को अपना समझ बैठते हैं, शरीर में ही फंस जाते हैं, वो अंधे हैं। और शरीर के संचालन करने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा को जो अनुभव करते हैं, उनको आंख है, वो देख रहे हैं। इसलिए मूल न जाने सो अंधा, जो मूल को नहीं जानते, जो अपने आप को नहीं जान पाते। हाँ, हमने अपने आप को जानना है, इसलिए तो मनुष्य जन्म है कि हम अपने आप को खोजे, हम पता करें कि मैं कौन हूं। ये शरीर का संचालन करने वाला ये है कौन, मुझे उसको जानना है। तो ये गोपिया इस गोपी गीत के माध्यम से यही हमें बता रही है कि वो कृष्ण मूल है, वो आत्मा, कृष्ण को वो आत्मा समझती है। वो द्वापार में जन्मे, बस कृष्ण की चर्चा नहीं करती, वो आत्म तत्व की चर्चा करती है गोपिया, जो सनातन है, सृष्टि निर्माण होने से पहले जो प्रकट है। तो ये आत्म कथा है, ये निज रूप को जानने की कथा है, निज रूप तक ले जाने वाली कथा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मूल को जो जानते हैं उनको आंख है, बाकी सब अंधे हैं। तो इस मूल को जानना है, उस आत्म तत्व को जानना है जो शरीर का संचालन कर रही है, उसका अनुभव करना है। और वो तब होगा जब आपका हृदय पवित्र हो, जब हृदय निर्मल हो। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, जल शुद्ध हो तो पानी में पड़ा हुआ सिक्का दिख जाता है, दिख पड़ता है, क्योंकि जल शुद्ध है। वही सिक्के को आप गंदे नाली में, गंदे पानी में डाल दो तो सिक्का होने के बाद भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह हम अगर माया में फंसे रहेंगे, इस माया को अपना मानते रहेंगे, जो क्षण भंगुर है, क्षणिक है, जो नाश होने वाला जगत है, उसे हम अपना मानते मान कर बैठ जाते हैं, इसीलिए वो अनुभूति नहीं होती। और जब उससे मन हटाकर हम जगतपति के ऊपर मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तब जाके अनुभूति होती है। तो हमारे हृदय को भी हम निर्मल बनाएं, ताकि उस सिक्के की तरह जो आत्म तत्व है, जो मूल तत्व है, वो भी स्पष्ट हो जाए और हमें उसके दर्शन हो जाए, हमें उसकी मुलाकात हो जाए। इसीलिए हम हृदय को पवित्र बनाएं। तो हृदय कैसे पवित्र बनेगा? हमारे विचार,
कैसे पवित्र, मन को कैसे संस्कार हम दे पाएंगे सकारात्मक विचार के, कि मन किसी के बारे में बुरा न सोचे, किसी के बारे में ईर्ष्या मन में न हो, किसी के बारे में मत्सर मन में न हो, विरोध मन में न हो, और मन सदैव प्रसन्न रहे, मन सब के बारे में सदा के लिए भला ही सोचे, सबके सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब को आनंद मिले और सबका भला हो। जब ये भाव जगेगा, भगवान भी कहते हैं कि मुझे वो भक्त प्रिय है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, कि जो अद्वेष्टा, जो किसी का द्वेष नहीं करता, जिसके हृदय में करुणा है, मद्भक्त समय प्रिय, भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। तो हमें एक सरल बनना है, सहज बनना है। अब आप कहोगे सरल बनने का अर्थ क्या है, ये सहज बनने का अर्थ क्या है, ये कौन से दवाई की दुकान में मिलेगी औषधि, ये होता क्या है सरल होना, सहज बनना? तो बस सरल बनना, सहज बनने का भाव ये है कि हम भगवान की मर्जी से अपने जीवन को जिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कोई फरियाद नहीं, कोई गिला सीखवा नहीं, कुछ भी नहीं, राजी है हम हर हर उस भगवान आपकी मर्जी में हम राजी है। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। सीधी सी बात है, बस जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा। इस भगवान की मर्जी को अपना कर्तव्य, अपना पुरुषार्थ बना दो, कि जहां भगवान आपको जहां ले जाना हो वहां आप ले जाए, जहां रखना हो वहां आप रखिए। बस इतनी सहजता, इतनी सरलता। जैसे एक बार कुछ लोग वो नौका विहार करने समंदर में निकले, गुजराती में जिसको नावड़ी हम लोग कहते हैं, एक छोटी सी नौका थी, उस नौका में कुछ लोग उसमें बैठ सकते थे, 40-50 लोग, उतने लोग बैठे, उसमें एक महात्मा भी थे। नौका चल पड़ी, सब यहां वहां सेल्फी फोटो ले रहे थे, संसार की बातें हो रही थी वगैरह वगैरह, महात्मा तो अपनी मस्ती में थे। नैया ले चल परली पार, जहां बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार। महात्मा अपनी मस्ती में थे। अब सबका अपना अपना स्वभाव अलग अलग है, सबकी मस्ती अलग है, और संतों की मस्ती अपनी अलग होती है। संत अपना भजन कर रहे हैं भगवान का, बाकी सब चल रही है संसार की बात वो बात। जब अभी कुछ समय पहले हम जब अमेरिका गए,
सेंट लुइस में हम जब थे अमेरिका में, तो हमारे साथ में कुछ लोग वहाँ के विट्ठल भाई सेंट लुइस के, ये वासना कंपा वाले विट्ठल, वो अलग वासना कंपा वाले, ये विट्ठल भाई जो सेंट लुइस में रहते हैं, तो वो और दो तीन जो वहाँ के लोग थे हमारे साथ आए, और कानम विस्तार के कुछ लोग थे सतपंथ के, सतपंथ परिवार के अनुयायी, तो वहाँ हमने जाना था। तो मैंने कहा इस पते पर हमें, हम जाना चाहते हैं, उनका निमंत्रण है, बोले हम ले चलते हैं। जब वो लोग हमें वहाँ उनके घर ले गए, चार से पांच परिवार में हमने जाना था, तो चार से पांच परिवार में ये लोग हमें सबके घर ले गए, और सब एक दूसरे को 10-15 वर्षों से जानते थे एक दूसरे को। बोले हम भारतीय, भारत के निवासी करके हम तो साल में न जाने कितने बार इकट्ठा बैठते हैं, कितनी बार मिलते हैं, हम तो दो दिन में एक बार तो हमारी सबकी मुलाकात हो ही जाती है, इतना हमारा संबंध, इतना हमारा प्रेम, जानी जान पहचान एक दूसरे के साथ, लेकिन 15 वर्षों से, लेकिन 15 वर्षों के बाद आज पता चल रहा है कि हम और आप सतपन परिवार से ही जुड़े हुए हैं। अब हम तो इन बातों को सुन रहे थे, उनकी बातें पूरी हो गई, कब कब मिले थे, कितनी बार मिले थे, मैं बोला हो गई बात, बोले हो गई, मैं बोला 15 वर्षों से, कितने बार मिले, बोले बहुत बार मिले महाराज, साथ में भोजन किए, भोजन पाए, बैठे, कितने अलग अलग प्रोग्राम में हम साथ में थे। तो मैंने बोला 15 वर्षों से एक दूसरे को मिल रहे हो, संसार की ही बातें हमेशा करी होगी, अगर भगवान की बात चल जाती, अगर धर्म की बात चल जाती, तो 15 वर्ष पहले ही पता चल जाता हम तो एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। 15 वर्षों से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन सतपंथ परिवार के सदस्य हो, ये 15 वर्षों के बाद पता चलता है, क्योंकि आज तक मिले तो संसार की ही बात, इन व्यवस्थाओं की ही बात। अरे भले आदमी, मैंने कहा 2 मिनट तो बैठ जाते और अध्यात्म की बात कर ले जाते, भगवान की बात कर लिया करते, तो शायद बात निकलते निकलते पता भी चल जाता दोनों एक ही भगवान के बच्चे हो, एक ही बाप के दोनों बेटे हो, पता चल जाता। मैंने पूछा आपको आनंद मिला दोनों को, एक दूसरे की मुलाकात हो गई अच्छे से, बोले बहुत आनंद आएगा आज के बाद तो। मैं बोला 15 साल निकल गए ना, फिर आपको ये आनंद तो 15 साल पहले भी आ सकता था, अगर धर्म की बात कर लेते, होता ऐसे ही है। कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई पूछता है तेरे बाल बच्चे कितने हैं, कोई पूछता है तेरे बंगले गाड़ी कितनी है, कोई पूछता है तेरी जाहो जलाली कितनी है, कोई पूछता है तेरे पास पैसा कितना है, मगर किसी ने ए न पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। सब बातें होती है, आइए हम इन गोपियों से सीखे, इसलिए गोपी की जरूरी है। ये गोपियां जब दही दूध बेचने जाती थी, दही बेचने निकली गोपियां, तो गोपियां कहती थी, इन गोपियों का भाव था, गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, बोलिए, क्योंकि गोविंद और गोपाल के अलावा न कुछ देखते थे, न सुनते थे, न बोलते थे, कोई भाव ही नहीं, बीजी वाली न लागे के बाद, हर 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 चीज में, हर जगह, क्योंकि वो अनुभूति नहीं होती, हम इसलिए पूछते हैं भगवान कहाँ है,
लेकिन जब ज्ञान हो जाए, जब अनुभव हो जाए, तो हमारा सवाल होता है भगवान कहां नहीं है। ये अनुभूति के बाद की बात है, फिर भगवान कहां नहीं है। इसलिए कोई पूछता है परिवार कितना है, कोई पूछता है जाओ जलाली बाल बच्चे एक दूसरे की बात। जब हम रेल में सफर करने निकले, कुंभ मेले में मुलाकात हुई, कुंभ मेले में समय निकाल के आए, तो यहां तो संसार की बातें छोड़े, यहां तो अनुष्ठान करे, यहां माला करे, भगवान का नाम संकीर्तन करे, यहां कथा सुने, भजन करे भगवान का, यहां जाप करे। व्यर्थ क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे कल कहा था कि इरादे लाख बनते बन के टूट जाते हैं, प्रयागराज वही आते हैं जो किस्मत साथ लाते हैं। कि अगर अगर किसी किस्मत से, किसी की कृपा से अगर आप यहां पहुंचे हो तो क्यों व्यर्थ गवा रहे हो अपने एक एक पल को। अनुष्ठान करे, कल्पवास करे, साधना करे। मैं धन्यवाद करूंगा जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज का, वो इसलिए आप भी सोच सकते हो इस बात को कि हमारे शिविर में अभी तक आज के दिन तक यह उस सीढ़ी नहीं बजी, भगवान का भजन इसमें नहीं बजा, यहां प्रत्यक्ष में अनुष्ठान चल रहा है। सुबह 4 बजे से हमारे भूदेव मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रामायण का अखंड पाठ चल रहा है, वो सीडी में नहीं, उस निर्जीव यंत्र के द्वारा नहीं, यहां मनुष्यों के द्वारा। सुबह भी कथा, दोपहर में कथा, सुबह 4 बजे से अनुष्ठान, अखंड रामायण का पाठ, कोई सीडी नहीं बचती, डुप्लीकेट कोई भाव है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो निर्जीव यंत्र में वो सीडी चढ़ा दी और वो बचती रहे और हम भंडारा ही करते रहे, हम भोजन ही बनाए और भोजन ही करे, यही करना था तो घर में कौन नुकसान था। तो अपने शिविर में आप अनुभव करिए। इनको ये लाउड स्पीकर वाले को सीडी लगाने का समय ही कहा है, वो लगाए और बजाए। यहां से जैसे कथा पूरी हो, थोड़ी देर बाद आरती होती है, यज्ञ नारायण भगवान की आरती, भगवान महादेव की आरती, रामायण जी की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ, पूरा समय नाम जप चल रहा है। इसीलिए तो ये कल्पवास होता है, इसीलिए तो यहां आना होता है। यहां न तो भटकने, न आप खाली यहां आकर आपका जो समय है वो व्यर्थ गवा दोगे, तो एक बात को याद रखना, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थों में अगर आप समय का उपयोग नहीं कर पाए तो बस और समय में आप समय का कभी सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ये जीवन अनमोल है, उसमें भी ये पल अनमोल होते हैं जब तक हम विराज रहे हैं भगवान की दया से इस पुण्य भूमि देव भूमि पर, तब तक हम वो प्राप्त करने की कोशिश करें। इसीलिए तो पूरे जगत के महात्मा कुंभ मेले में आते हैं इस अवसर पर। इसलिए तो ये साधना का ये समय है। और अगर हम देखें तो यहां से ज्यादा भीड़ तो भंडारे में दिखती है। कथा मंडप से ज्यादा भीड़ वहां नंबर नहीं लगता, बोलो भंडारे में वहां सबसे ज्यादा भीड़। भाई भंडारा जरूरी है, भोजन जरूरी है, वो तो कबीर जी भी कहते हैं, महाराज कबीर की, शाम को खाया सुबह खड़ी, सुबह खाया शाम खड़ी, और भूख मौत से भी बड़ी, भूख मौत से बड़ी है, क्योंकि मौत एक बार आती है और भूख दिन में 2 बार कम से कम। इसलिए भूख मौत से बड़ी, जरूरी है भोजन, लेकिन भजन भी तो जरूरी है।
भोजन सुख देगा, भजन आनंद देगा। भोजन शरीर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और भजन अखंड आनंद के लिए जरूरी है, वो उस आनंद की अनुभूति के लिए जरूरी है। तो इसीलिए इस मानव जन्म में, मनुष्य जन्म में हम कोशिश करें उस मूल तत्व को जानने के अनुष्ठान करें। जब तक वो तवा होता है ना, वो तवा गर्म नहीं होता, रोटी नहीं सेकी जाती, हमें तपना होगा, हमें तपना चाहिए। कल हमें कई लोग पूछ भी रहे थे कि 6 बजे के बाद तो इतनी ठंडी लग रही थी और आपने ना तो टोपी पहनी हुई है, ना आपने कोई स्वेटर पहना, तो ठंडी नहीं बज रही थी। हमने कहा वहां बैठना तो तप होता है, तप में तो तपा जाता है, और जब हम तप में तप के हिसाब से बैठते हैं तो वहां तो हृदय में, शरीर में गर्मी होती है, ये ठंडी की असर महसूस नहीं होती। मन जब ठंडी में जाएगा तब ठंडी बजेगी, और जब तक मन भगवान में है तब तक नहीं बजती। इसलिए ये व्यासासन एक तप है, तपचर्या है। यहां किसी दुख की ताकत नहीं। जो यहां बैठकर जो भगवान का गुणगान हो रहा है और यहां आए, कोई दुख आए और वक्ता को स्पर्श करे, क्योंकि मैं तेरे नाम, भगवान कहते हैं तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, भगवान वो रक्षा करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम भगवान के साथ ऐसे जुड़ने की कोशिश करें कि बस बीजी वाली न लागे के बाद, मूल को जानने की कोशिश करें, वहां जुड़ने की कोशिश करें। संसार की जो आसक्ति है, कर्म बंधनों में हम जो फंसे हैं, उससे थोड़ा छूटने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने आप को हम उस मूल तत्व की ओर ले जाने की कोशिश करें। सहज बने, सरल बने, इसके लिए हम एक आपको बात भी बता रहे थे कि महात्मा एक 40-50 लोगों के साथ वो महात्मा भी नौका में बैठ गए, और जैसे नौका में बैठे नौका शुरू हुई, महात्मा जी भगवान का भजन करने लगे, और बाकी लोग तो केम छो, मजा मा छो ने, होते कोई नहीं है मजा में, नहीं केम छो मजा मा, केम छो मजा मा, पछी कही दे मजा मा तो केवू पड़े, होते कोई नहीं है। केम छो ए पूछवानो रिवाज थई गयो छे, जे पूछे छे केम छो ए पन क्या मजा मा होई छे। जो पूछता है कैसे हो ये पूछने का एक रिवाज बन चुका है। जो पूछता है कैसे हो वो भी कहा मजा में होता है, वो भी कहा आनंद में होता है। जो पूछता है कैसे हो एक रिवाज है। इसलिए हम एक दूसरे से ये दुनिया की सारी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब कभी समय हो और ऐसे समय में तो हम सत्संग करें, भजन करें, जितना जितना भजन कर सको। आप नाम संकीर्तन अपनी अवस्था बनाइए, अपना निर्माण करिए, आनंद करिए। और अब की बार तो इस भूमि पे जो वाइब्रेशन हम सबको मिल रहा है, या तो यहां से जो मिलेगा अलौकिक है। महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे, बाकी सब अपनी बातें कर रहे थे। जैसे बहुत गहरे पानी में नौका पहुंची है तो बीचों बीच छेद हो गया, नौका को नीचे से छेद हुआ।